अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज देखने आज हम कितनी मजेदार सी रेसिपी बना रहे हैं, फुल ऑफ फ्लेवर्स है, अल्टे पलटे। यकीनन आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि हम आज अल्टे पलटे बना रहे हैं। इतने मजे के बनते हैं, आप लोग इसको रमजान में जरूर एक दफा ट्राई दें, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। चले इसको अब झटपट से मजेदार से अल्टे पलटों को शुरू करते हैं बनाना। देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजों का इस्तेमाल हुआ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं इसको। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत से लोगों को बहुत पसंद है, ठीक है। ये देखिए मैंने मैया करके रखा हुआ है। एक कप बेसन लेंगे इसके अंदर, इसको अच्छे से हम कर लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे, ठीक है। एक दफा से आप इसको जस्ट मिक्स कर लें, ये हो गया, ठीक है। तो कर लिया। अब आपने स्पाइसेस इसमें बहुत कम जा रही हैं, घर में मौजूद मसाले हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, एक टीस्पून सूख मिर्च पाउडर, एक टीस्पून हाफ टीस्पून के करीब गरम मसाला और हाफ ही टीस्पून हल्दी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, स्पाइसेस सारी मिक्स होगी। फिर आपने पानी ऐड करना है इसमें थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डाल देना। मैं आपको बताती हूँ हमें कितना थिक चाहिए बैटर, ठीक है। बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है, पुराने ज़मानों में तो इसको बहुत पसंद किया जाता था, अब ज़रा कम बनती है लेकिन हमारे घर में स्टील इसको बहुत पसंद किया जाता है। बड़े से छोटा बच्चा इसको बहुत शौक से खा लेता है। ये देखिए इतना होना चाहिए, ठीक है। ये रेडी हो गया, पहले हम इसको रेडी कर लेते हैं फिर इसकी ग्रेवी की तरफ आएंगे, ठीक है। इसको हम तवे पे फ्लैट पैन में बनाएंगे। ऑयल लगा लिया आपने तवे पे, नॉन स्टिक पे इसको आपको बनाना है। जिससे हमने मैयत किया था बेसन को उसी से आप कर ले, उससे ये फ्लैट भी हो जाता है आराम से, ठीक है। राउंड राउंड में करेंगे तो वो फैल जाएगा, जितना आप उसे कर सकते हैं आप कर ले, बहुत ज्यादा थिन भी नहीं करेंगे आप। इस तरह से उसकी राउंड सी शेप दे, थोड़ा सा ये पक जाएगा। देन आपने इसमें थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करना, अभी नीचे से पक रहा है। ये देखने में थोड़ा सा सॉफ्ट है ना, थोड़ा सा आपको लगे कि इजीली फोल्ड हो जाएगा, देन आपने इसको करना। मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम भी नहीं किया और बिल्कुल लो भी नहीं किया, मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। ये देखिए ऊपर से आपको लग रहा होगा कि इसकी पकाई हो रही है। अब अगर आपको कच्चा लगे तो ये कच्चा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम इसको मसाले में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये तब हो जाएगा, ठीक है। ये तीन आप इसको बेल दे दें और इस तरह से ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं सारे बना लूंगी तो फिर आपको इंशाल्लाह इसकी ग्रेवी सिखाते हैं कि ग्रेवी कैसे बने। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें चार बने हैं। अब आप इसकी जो भी आपको शेप पसंद हो, तिरछी काट लें, तिरछी काट लें, हमारे घर में इस तरह की बनाई जाती है तो मैं आपको वैसे ही बताऊँ। सारे आप काट लें, ये बनाकर आप पहले रख लें, फिर हम इसकी इंशाल्लाह ग्रेवी बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए इस फॉर्म में होगा, ठीक है। ये सारे हो गए रेडी, चले अब इसके मसाले की तरफ चलें। चले जी हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, अब सेकंड स्टेप करते हैं। हाफ कप के करीब मैंने ऑयल डाल ली है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बीच की फिलिंग है बेसन की वो बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। ये राई दाना है, ये एक टीस्पून के करीब डालेंगे, ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाए। आपने प्याज ग्राइंड कर लेनी है, एक बड़े साइज का प्याज था वो देख ली मैंने ग्राइंड करके रखा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा, देन आप इसमें प्याज ऐड कर दो। एक बड़े साइज का प्याज था वो है, प्याज का थोड़ा कलर चेंज हो जाए, देन आपको बताते हैं आगे क्या।
अच्छा ठीक है, देखिए हमारी प्याज जो है ग्राइंड की हुई है, ज़ाहिर है वो ब्राउन तो नहीं होगी, लेकिन जितना हो सकता था हमने उसका पानी वगैरह सारा कुछ ड्राई कर लिया। अब आपने इसमें एक चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे प्याज के साथ। स्पाइसेस मैं आपको इतने बता देती हूँ, सुर्ख मिर्च पाउडर है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, मैंने 1/2 टीस्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने बेसन की टिक्कियों में भी डाला हुआ है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा। आपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो स्पाइसेस है वो जले नहीं। ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून आप पानी ऐड करें। फ्लेम मैं स्लो कर दूंगी, अच्छे से मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट जरा हम पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल आ गया, अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है। अब आपने इसमें 1, 2, 3 एंड 4 तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब दही ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि इसी से मसाला बनने वाला है इसमें, जो कि बहुत मजे का लगता है। अच्छा, ये मैं डालकर दही ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, कुछ लोग तो मसाले वाली अंडे पट्टे पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़े से रनी, तो हमारे घर में थोड़े से रनी पसंद किए जाते हैं, तो मैं तकरीबन 1/2 कप इसमें पानी ऐड कर दूंगी, जिसमें मसाला भी अच्छे से, दही वगैरह सारा कुछ भून जाएगा, दही अपना पानी, दही का भी पानी होगा, और ये परफेक्टली हमारा जो है ग्रेवी रेडी हो जाएगी। 10 मिनट हो गए फ्रेंड्स, ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से हो रहा है। अब आपने क्या करना है, बहुत एहतियात के साथ आपने ये पीसेस डाल देने जो हमने बनाए थे। कोशिश करें कि ओवरलैप ना करें और किसी खुले बर्तन में ही बनाएं। अभी से इतना अच्छा इसका अरोमा आ रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और अगर आपको पसंद है तो फिर तो बस फिर वेट ही होगा इसके बनने का। अच्छा जी, ये हमने इसके अंदर डाल दिए। अब इसको मैं कवर करके जस्ट मीडियम बिल्कुल लो फ्लेम पर रखूंगी 10 मिनट्स के लिए, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर जो है सब मसाले का, सारी चीज़ों का आपस में मिक्स हो जाए। 10 मिनट्स हो गए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है बहुत परफेक्टली बन गए हैं हल्टे पलटे। थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे और ये हो गए हैं रेडी। आप लोग उसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई दीजिए, यकीनन आपके घर वालों को ये पसंद आएंगे। ये मैं आपको ना एक जो आराम से बनाया जाए उसको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, एंड अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।